अच्छा, इस टाइम पर जो मैं मौजूद हूँ वो जो शाहराए कायदीन से अंदर गुलाम अली मेमन रोड की चौरंगी की जानिब मौजूद हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से कराची की मुख्तलिफ इलाकों में जो ग्रीन प्लांटेशन के हवाले से जो काम जारी है, तो उसी के साथ जो कि इस जगह पर भी जो कि चौरंगी मौजूद है यहाँ पर, और चौरंगी के ऊपर जो कि ग्रीन प्लांटेशन और पौधे लगाने का काम जो कि यहाँ पर जारी है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि पौधे किस किस्म के लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पौधे लग रहे हैं यहाँ पे। और ये नहीं, शाहराए कायदीन की चुरंगी से जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी जो कि पौधे लगे हुए दिखे, पर मैं अभी थोड़ी देर में आपको वहाँ की भी अपडेट करता हूँ। यहाँ पर जो कि मैं अभी लंच टाइम का टाइम है और मैं खाना खाने के लिए इसी रोड से गुजर रहा था, तो मैंने यहाँ पर कुछ जो कि ग्रीन प्लांटेशन के हवाले से एक्टिविटी देखी, सोचा आप लोगों को भी अपडेट किया जाए कराची की मुख्तलिफ जगहों पर जो कि भारी तादाद में जो कि पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रीन स्टेशन के नीचे भी जो कि ग्रीन बस जो चलने वाली है उसके नीचे भी जो कि काफ़ी अच्छी चुरंगी बनाई गई है, उसके साथ मैं यहीं पर मौजूद हूँ। और ये आप गाड़ी भी देख सकते हैं, और DMC के जानिब से ये सारे जो कि पौधे लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ करीब से, थोड़ी कम करियो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कौन सा बहुत पौधा है, चमेली अर्जुन, चमेली अर्जुन मेलिया ये पौधा लगाया जा रहा है इस नाम का। और काफ़ी जो खूबसूरत, मैं भी आपको एक और जगह भी दिखाऊंगा जो शाहराए कायदीन के ऊपर जो चुरंगी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्लांटेशन जो मैंने देखा है अभी आते हुए, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा यहाँ से होने के बाद। ये आप पौधे देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं ज़रा पूछता हूँ उनसे कि ये कौन कौन से पौधे हैं। भैया ये येलो वाला पौधा कौन सा है, ये गुलदावरी है। अच्छा, ये सब एक ही है कि सब एक ही है, कलर अलग अलग है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये पक्का कर रहे हैं बिल्कुल गुलदस्ते गमले को लगा कर। चंपा
तजर्बा हो गया मेरा, कौन सा पौधा किधर जचेगा पागल, बेचारा पहले छोटा दे रहा। शहर कायदीन यानी शहर फैसल, यहाँ पे जो मेन जगह पर हूँ मैं, और जो बाकी की जो अपडेट्स थी यानी कि जो मैंने आपसे कहा था वीडियो पर कि शुरू में भी काफ़ी खूबसूरत सी जो कि प्लांटेशन यहाँ पे की गई है, तो वही दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा पीछे की जानी पाया हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ जो कि पौधे लगाए गए, प्लांटेशन की गई है। ये सिर्फ दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कराची में जब आप रह रहे हैं तो आपको कराची की सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ हमारा दिखाने का मकसद ये कि पूरी कराची में हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या कहाँ वर्किंग हो रही है कराची में और कहाँ क्या वर्किंग नहीं हो रही है। तो इसी के साथ मैं आज शहर कायदीन पर मौजूद था, शहर फैसल साथ में, और अगर मैं लेफ़्ट राइट में देखूँ तो शहर कायदीन है। इसी रोड पर जो कि नस्ला टावर भी मौजूद है जो कि डिमोनिश करने का काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसी के साथ एक न्यू अपडेट थी जो कि मुझे आप तक पहुँचानी थी। मिलता है किसी और न्यू अपडेट के साथ, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।